पुलिस महानिरीक्षक सुशांत कुमार सक्सेना चंबल जोन के द्वारा अवैध हथियारों की धरपकड़ हेतु चलाए गए अभियान में पुलिस अधीक्षक शैलन सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक निशा रेड्डी के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली निरीक्षक शिव सिंह यादव और उनकी टीम द्वारा की गई कार्रवाई में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति MJS ग्राउंड के पास नई निर्माणाधीन तहसील के पीछे अवैध हथियार बेचने के लिए मोटरसाइकिल पर खड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली शिव सिंह यादव द्वारा उपनिरीक्षक अतुल सिंह भदौरिया के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर रवाना की गई। टीम के द्वारा आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर 32 बोर की 9 पिस्टल, 8 मैगजीन, 8 जिंदा राउंड मिले, जिन्हें मौके पर जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ जारी है। जैसा आप सभी लोगों की जानकारी में है कि अभी सभी जगह अवैध हथियारों को लेकर एक अभियान जो है वो प्रदेश स्तर पर चला गया है। विशेष रूप से जो चंबल क्षेत्र है, इसमें भी हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय और पुलिस महानिरीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में हम लोग कंटिन्यूस इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व में भी चेकिंग हम लोगों के द्वारा सघन रूप से की गई थी, जिसमें भी हमें कुछ हथियारों को पकड़ने में सफलता मिली थी। इसी तारतम्य में हमें एक जानकारी मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुई कि जिसमें एक व्यक्ति संदिग्ध बताया गया कि वो बाहर से कहीं से बनी बनाए अवैध हथियार लाकर खपाने के प्रयास में है। पुलिस को जैसी ही सूचना मिली तो जो CSP भिंड और थाना प्रभारी कोतवाली और उनके साथ जो उनकी पूरी टीम है, इसने इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया और जो संदिग्ध था उसको आइडेंटिफाई करके उन्होंने तत्काल उसको राउंडअप किया। और राउंडअप करने के बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें पुलिस को उसके कब्जे से करीब 9 पिस्टल्स 32 बोर की प्राप्त हुई और साथ में 8 मैगजीन और 4 जिंदा राउंड उसके पास से मिले। ये प्राप्त होने पर पुलिस ने उसमें आर्म्स एक्ट की धाराओं में उसके विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध किया विधिवत रूप से, और इसके साथ साथ उसका PR लिया गया है और उसके साथ पूछताछ की जा रही है कि जो ये हथियार हैं वो किस माध्यम से, किस व्यक्तियों के माध्यम से वो लेकर आया था और कहाँ कहाँ वो सप्लाई करने के प्लान में था। अभी ये इन्फॉर्मेशन डेवलप की जा रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन जैसी मिलती है उस आधार पर आगे कार्रवाई करते हुए यदि कोई अन्य व्यक्तियों का जो इसमें संलिप्तता पाई जाती है उनको गिरफ्तार करेंगे, और यदि कोई अन्य हथियारों की भी संभावना है पता चलने की तो उनको भी हम लोग पकड़ने का प्रयास करें। सर, बड़ी कार्रवाई है तो पूरी टीम को क्या प्रस्तुत किया जाएगा? निश्चित रूप से पूरी टीम का इसमें योगदान है, सभी लोगों ने इसमें अच्छी मेहनत की है तो उनको सराहना करते हुए उनके कार्य को पुरस्कृत। कितने आरोपी बनाए? अभी तो इसमें मूल रूप से एक आरोपी है जिसके पास से हमें ये मिले हैं, लेकिन अभी इसमें हम लोग और डेवलप कर रहे हैं और संभावना है कि इसमें और अन्य आरोपी। क्या आरोपी ने पहले भी कभी इस तरह की मतलब अभी तो उसकी ऐसी जानकारी नहीं मिली है, उसके द्वारा तो प्रथम बार ही बताया है, लेकिन अभी हम लोग इसमें और जांच कर रहे हैं और अगर ऐसी जानकारी मिलती है तो उसके हिसाब से आवश्यक उसमें कार्रवाई करें। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।